सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज को समाज एक ही सारा काम सीखता है, अपने गुणों का विकास करता है, इसीलिए उसकी समाज था। समाज जितने भी सामूहिक क्रियाकलाप थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ना, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सरल समाज और जटिल समाज में अंतर बताओ। तो सरल समाज क्या होता है? देखो, आधुनिक काल के पहले के समाज को सरल समाज कहा जाता था, जबकि हम बात करें जटिल समाज की तो आज के आधुनिक समाज को ना हम जटिल समाज कहते हैं। अब दूसरी बात करें सरल समाज का उदाहरण क्या है, तो देखो शिकारी संग्रह है, चरवाहे, कृषक और गैर औद्योगिक सभ्यताएं, ये सरल समाज के उदाहरण हैं। जबकि हम बात करें जटिल समाज की तो औद्योगिक समाज ही जटिल समाज का उदाहरण है। इसके अलावा बात करें तो सरल समाज में ना श्रम विभाजन नहीं होता है, यानी सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं देखने को मिलता है। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, जबकि जटिल समाज में श्रम विभाजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव। तो देखो औद्योगिक क्रांति के कारण ना कई बदलाव आए। तो पहले हम समझते हैं औद्योगिक क्रांति है क्या। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों में क्रांति आ गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, इसलिए इंग्लैंड को ना औद्योगिक क्रांति का केंद्र माना जाता है। बात करें तो औद्योगिक क्रांति से पहले अंग्रेजों का मुख्य जो पेशा था वो खेती करना होता था एवं कपड़ा बनाना होता था। अधिकांश जो लोग होते थे ना वो गाँव में रहते थे और वो कृषक थे, या भूस्वामी, या लोहार का काम, या चमड़ा श्रमिक, या जुलाहे, या कुम्हार, या चरवाहे थे, और समाज छोटा होता था। लेकिन लोगों की स्थिति से उनको वर्ग परिभाषित किया जा सकता था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, साथ ही साथ में शहरों का विकास होने लगा, शहरीकरण बढ़ने लगा, और इसी की निशानी थी फैक्ट्री। जब फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कालिक धुआं नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग, मीन्स अब जो काम करते थे, खेतबाड़ी करते थे, वो भाग के श्रमिक वर्ग बन गए थे। गंदी बस्तियां का विकास होने लगा। ऐसे ही औद्योगिक क्रांति के कई सकारात्मक तथा कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। अंग्रेजों ने कारखानों को मशीनों द्वारा तैयार माल बनाना शुरू कर दिया, यानी कारखाने में कच्चा माल वो लेते थे और उससे तैयार माल बनाते थे, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए थे। जो हस्तकार थे, जो दस्तकार होते थे, जो हाथों से काम करते थे, शिल्पकारी का जो करता काम करते थे, कई लोग ऐसे बेरोजगार हो गए थे क्योंकि अब उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी। तो अब हाथ की जगह मशीनों से बनी वस्तुएं लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी थी, और एक यही कारण था कि दस्तकारों की जीवन निर्वाह कि जो जीवन निर्वाह के लिए जो काम करते थे वो भी अब नहीं कर पा रहे थे, और इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी। तो औद्योगिक क्रांति का इन पर सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिला था। इसके अलावा बात करें तो पूंजीवादियों को इनको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिला था, क्योंकि जो पूंजीवादी उद्यमी थे वो हमेशा मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। उन्होंने औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ही मुनाफा कमाया और अपनी शक्तियों को और बढ़ाया। तो ये तो हमारा औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभाव और पूंजीवाद। अब हम समझते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। ये हमारा अगला टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो देखो समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि मनोविज्ञान में हम व्यक्ति की मनोदशा का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बात करें तो समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र होता है ना, दायरा जो होता है ना, वो विशाल होता है, जबकि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र सीमित होता है, यानी इसका दायरा जो होता है वो बहुत ही सीमित होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए हम ना तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए हम गुणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। और चौथी बात करें तो समाजशास्त्र में घटनाओं के घटित होने के कारण का खोज किया जाता है, कि कोई घटना घटी है तो उसका क्या कारण था, जबकि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत आशा का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत तौर पर इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में कोई घटना के घटित होने का कारण का वर्णन करते हैं। अब हम दूसरा समझते हैं जो है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताओ। तो फिर से वही कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, ये लाइन तो याद ही कर लो, समाजशास्त्र के चारों पॉइंट याद कर लो। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, जैसे मैंने बताया विषय क्षेत्र इसका क्या है, इसका दायरा विशाल है, बाकी अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी दायरा इसका सीमित है। इसके अलावा बात करें तो समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हम आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चौथे अंतर की बात करें तो देखो समाजशास्त्र में, जैसे मैंने बताया, घटी हुई घटनाओं का कारण के हम खोज करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक दृष्टिकोण से इसके संबंध।
जानने की कोशिश की जाती है। अब हम समझते हैं समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। तो देखो, समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, जैसे मैंने बताया, जबकि इतिहास में हम बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बात करें तो समाजशास्त्र का, जैसे मैंने बताया, इसका दायरा, इसका जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है, जबकि इतिहास का विषय क्षेत्र सीमित है। समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम, मैंने बताया था, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, जबकि हम इतिहास का अध्ययन करने के लिए ना वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। वर्णनात्मक विधि क्या होती है? इसमें हम चीज़ों का वर्णन करते हैं कि चीज़ों का वर्णन यह पहले के समय में कैसे था, कैसे हुआ करता था। ये था हमारा तीसरा अंतर। अब हम बात करते हैं इसके चौथे अंतर की। तो देखो, जो समाजशास्त्र में घटनाओं के घटित होने के कारण का खोज किया जाता है, जबकि इतिहास में उसकी जानकारी इकट्ठी की जाती है। हमारा अगला और लास्ट है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध। तो जैसे मैंने बताया, देखो समाजशास्त्र का याद ही कर लो कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, इसका दायरा विशाल है, इसमें क्या कहता है, इसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें घटनाओं के घटित होने के कारण का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि अब इसके अगला सारे का ऐसे ऐसे याद कर लो, जैसे समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र में हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। समाज का दायरा विशाल है, जबकि राजनीति का दायरा क्या है? सीमित है। समाजशास्त्र के अध्ययन में हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं और राजनीति में भी हम तुलनात्मक का प्रयोग करते हैं। चौथा है, समाजशास्त्र में घटनाओं के घटित होने के कारण का पता किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में केवल व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक हिस्से का ही अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसमें हम व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का ही बस वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।